हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आईसीटी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी इज जनरली डिफाइंड एज टेक्नोलॉजी फंक्शनिंग टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेनली एक ऐसी तकनीकी के रूप में जाना जाता है जिसके द्वारा फंक्शनिंग टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन सूचना को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं या फिर उसका आदान प्रदान करते हैं, या और कम्युनिकेशन जिसमें हम विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो ICT कहलाता है। With the development of ICT के विकास में के साथ the communicator and communicant can communicate through telephone, internet। ICT के द्वारा जब हम communication करते हैं एक दूसरे के साथ तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, सैटेलाइट, टेलीविज़न, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड द लाइक, और इस तरह से अन्य कई तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। Why is ICT important? ICT enhances and increases learning. ICT की सहायता से ICT जिसे हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसके द्वारा लर्निंग इंक्रीज होती है, लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। टेक्नोलॉजी ऑफर्स डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़। जब हम टेक्नोलॉजी का लर्निंग में इस्तेमाल करते हैं तो उससे बच्चों के सामने बहुत सारी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध होती है। टेक्नोलॉजी अलाउज स्टूडेंट्स टू लर्न इंडिपेंडेंटली। बच्चे इससे स्वतंत्रतापूर्वक सीखते हैं। टेक्नोलॉजी अलाउज टीचर टू मैनेज लर्निंग इफेक्टिवली। तकनीकी की सहायता से टीचर को भी लर्निंग को अच्छे से और इफेक्टिव वे में मैनेज करने में मदद मिलती है। ICT का नेचर और इसकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। स्पीड एंड ऑटोमेटिक फंक्शन, ये तो हम सभी जानते हैं कि ICT कि जब हम इनके रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें इसकी जो स्पीड है, क्योंकि तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं इसमें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ऑटोमेटिक फंक्शनिंग होती है, वो खुद काम करती है वो तकनीकी। एनेबल रूटीन टास्क एंड मटेरियल टू बी कम्प्लीटेड एंड रिपीटेड क्विकली। हम इसमें बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे TV की बात है, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कोई चीज़ अगर हमने उसमें प्ले की हुई है, चाहे TV में है, कंप्यूटर में है, तो उसको हम बार बार रिपीट भी कर सकते हैं या फिर उसको पॉज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। कैपेसिटी एंड रेंज, अब इसकी क्षमता और इसकी रेंज की तो हम सभी बात जानते हैं। ICT आर अवेलेबल टू एक्सेस एंड हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत सारी सूचना इसके थ्रू दी जा सकती है। गिव टीचर्स एंड पीपल्स टू एक्सेस हिस्टोरिकल, रिसेंट एंड इमीडिएट इंफॉर्मेशन। इसमें एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के सामने प्रेजेंट की जा सकती है। तो नेक्स्ट, इसमें इट अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी चेंज ईजीली एंड एनेबल्स अल्टरनेटिव्स टू बी एक्सप्लोर्ड रेडिली। तो इसमें हम चेंज करके इंफॉर्मेशन जिस भी हिसाब से हमें लगता है तो बच्चों के सामने हम इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, मतलब जब चाहे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारी इसमें हमें एक सुविधा ICT के थ्रू मिल जाती है कि हम इसमें जिस भी हिसाब से बच्चों की नीड है उस हिसाब से उनके सामने इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें इट एनेबल्स रैपिड एंड डायनामिक फीडबैक्स। रैपिड एंड डायनामिक फीडबैक भी इसमें मिलती है। हाउ इज ICT इफेक्टिव फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। अब इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की यहाँ पर मेनली बात करेंगे कि इसके लिए ये कैसे इम्पॉर्टेंट है और इफ़ेक्टिव है। तो उसके कुछ रीजन्स यहाँ पर है, जैसे ऑटोनोमस लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी, शेयरिंग, कोलेबोरेशन। ऑटोनोमस लर्निंग, तो ICT के माध्यम से बच्चे इसमें ऑटोनोमस लर्निंग करते हैं, जैसे वो द एबिलिटी टू टेक चार्ज ऑफ वंस ओन लर्निंग। बच्चे अपनी गति के हिसाब से सीखते हैं। स्टूडेंट्स कैन सर्च फॉर
एंड फाइंड रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। बच्चे अपने हिसाब से रिसोर्सेज या को सर्च कर सकते हैं और उसमें से इंफॉर्मेशन को लेकर सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। टीचर्स रोल इज़ मिनिमाइज्ड। इसमें टीचर का रोल जो है वो सेकेंडरी रहता है और बच्चे का रोल प्राइमरी रहता है, क्योंकि बच्चे ही टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें। लर्नर्स नो देयर ओन नीड्स एंड हाउ दे फुलफिल देम। बच्चे अपनी ज़रूरत के बारे में जानते हैं और उन्हें ये पता होता है कि किस हिसाब से उनको वो पूरी करनी है, तो उस हिसाब से ऑटोनोमस लर्निंग इसमें होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को कभी भी कहीं भी वो इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, आईसीटी के द्वारा बच्चे कोलैबोरेटिव वे में लर्निंग कर सकते हैं। जनरली मीन्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव वन कॉमन गोल। इसमें किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चे आपस में मिलकर लर्निंग करते हैं, काम करते हैं। इन लर्निंग ग्रुप ऑफ पीपल वर्क ऑन द सेम टॉपिक यूज़ वन अनदर्स रेस्पर्सिस एंड स्किल। एक दूसरे के साथ अपने जो स्किल्स है वो इसमें शेयर कर सकते हैं किसी कॉमन टॉपिक को सीखने के लिए। लर्नर्स हेल्प ईच अदर टू रीच द लर्निंग गोल। एक दूसरे की सहायता इसमें बच्चे करते हैं एक दूसरे के लर्निंग गोल को अचीव करने के लिए। आईसीटी प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग सच एज फोरम इन सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में कई तरह के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाए जाते हैं, फेसबुक में कई ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो उस हिसाब से कोलैबोरेटिव लर्निंग की जा सकती है जिसमें मिलकर एक दूसरे की सहायता की जाती है सीखने में। फ्लेक्सिबिलिटी तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो रिसोर्सेज है उसको अपने हिसाब से अपने टाइम पर कंटेंट की डिलीवरी इसमें कभी भी की जा सकती है। जब चाहे जिस समय चाहे सूचना का आदान प्रदान तकनीकी के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए इसे हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। शेयरिंग, इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। लैंग्वेज रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर ऑल, सबके लिए उपलब्ध है। नो मैटर द सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर यू कैन गेट लर्निंग मटेरियल व्हेन एवर यू नीड। जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ पर हम इसके द्वारा सूचना या फिर लर्निंग मटेरियल को हासिल कर सकते हैं। आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस आर शेयर्ड थ्रू सोशल मीडिया इन डिजिटल फॉर्म्स। जो भी आइडियाज़ है एक्सपीरियंसेस है उनको हम एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया के थ्रू शेयर कर सकते हैं। हेल्पफुल फॉर ऑल, सबके लिए ये हेल्पफुल होती है। शेयरिंग योर एक्सपीरियंस बेनिफिट टू, जब हम अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के सामने शेयर करते हैं तो उसका हमें भी फ़ायदा मिलता है। व्हेन इज़ इट अप्रोप्रिएट टू यूज़ आईसीटी, कि इसको सही तरीके से कब यूज़ किया जा सकता है। इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड पेस, जब हमने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है और गति पेस को हमने बच्चे की सीखने की गति को इम्प्रूव करना है तो उसमें हम आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, स्पीडर रिकॉर्ड कीपिंग, ऑटोमेट सबमिशन ऑफ होमवर्क एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स टू सॉल्व माइनर प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। देन प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड स्ट्रक्चर टू सपोर्ट लर्निंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द टीचर। सपोर्ट वेरिंग डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर टू देयर लर्निंग स्ट्रेटजी एंड रिसोर्सेज टू सपोर्ट देयर लर्निंग विदाउट टीचर प्रेजेंस। टीचर की प्रेजेंस के बिना भी हम टेक्नोलॉजी की सहायता से बच्चों को सिखा सकते हैं या बच्चे सीख सकते हैं। प्रोवाइड एक्सपीरियंस फॉर लर्नर्स विच इट वुड बी हार्ड टू अचीव इन अदर वे। किसी अन्य माध्यम से अगर मुश्किल भी है तो तकनीकी की सहायता से हम बच्चे को वो एक्सपीरियंस आसानी से दिला सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर आईसीटी टू प्रोवाइड द लर्नर्स विद ऑथेंटिक मटेरियल। आईसीटी के द्वारा ही ये पॉसिबल है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टास्क आउटकम फॉर द पीपल। इट एनेबल्स पीपल्स to undertake several stages of redrafting and reconstructing their work.
किसी भी काम की क्वालिटी को इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे इसमें बार बार सीख सकते हैं, बार बार इसमें अपने जो गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो उसे बार बार सुन के, बार बार प्रैक्टिस करके वो अच्छे से सीख सकते हैं। मेक हायर लेवल ऑफ चैलेंज फिजिबल, इट हेल्प्स पीपल टू ओवरकम डिफिकल्टीज जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द स्क्रीन, seeing what happen and change what they have done based on feedback they receive on screen. Encourage reflection. It helps the pupils reflect their own learning as it transfers information very rapidly that the result of their learning can be discussed before pupils' intention and interest start to wane. Facilitate differentiation. It enables the teachers to provide students with different resources covering the same topic, each one designed to provide for need of particular group of learner. Principles in using technology in educational setting. एजुकेशनल सेटिंग में अगर इसका इस्तेमाल करना है तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स का इसमें पालन करना है। नो योर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स को जानना पड़ेगा कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरह के हैं। बी फैमिलियर विद स्टूडेंट्स, फैमिलियरिटी विद टेक्नोलॉजी। बच्चों की नीड और उनके इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह की टेक्नोलॉजी को हम किस तरह के नीड वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडक्टिंग नीड असेसमेंट ऑन देयर कंप्यूटर लिटरेसी, तो ई असेसमेंट को भी हम इसमें कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। नॉट पुशिंग स्टूडेंट्स सो हार्ड इन लर्निंग टेक्नोलॉजी, तो हमने हार्डली बच्चे को पुश नहीं करना है कि ज़बरदस्ती आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखो। एक ईजी वे के थ्रू, इंटरेस्टिंग वे के थ्रू हम बच्चों को इसके टेक्नोलॉजी के थ्रू टीच करवा सकते हैं। चूजिंग मटीरियल, creating tasks that suit students' learning potential and computer literacy. Then using purposeful and contextualized IT, motivating students from their interest in technology. Students work with technology. The shift of the role of teacher, जब बच्चे टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखते हैं तो टीचर का रोल इसमें थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, बच्चे इसमें ऑटोनोमस हो जाते हैं, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया। एम्प्लॉइंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, द लेस टीचर सेंटर्ड एंड द मोर स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। जब हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो टीचर का रोल इसमें कम होता है, सेकेंडरी होता है, और इस तरह की जो एक क्लास का माहौल है वो स्टूडेंट सेंटर्ड बन जाता है। यूजिंग ITs promotes students' discovery learning, तो बच्चे इसमें ज़्यादा डिस्कवरी करते हैं, बच्चे की ब्रेन स्टॉर्मिंग इसमें होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली बच्चे इसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं और एक्टिव लर्नर वो होते हैं और एक्टिव रिस्पॉन्ड वो इसमें करते हैं। अलाउइंग देम टू वर्क कोलेबोरेटली इन इंटरक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट, तो इसमें बच्चों को एक मौका मिलता है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग करें और एक दूसरे का इसमें सहयोग करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। अब इसका भाषा में कैसे यूज़ होता है, कैसे किया जा सकता है। इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद कोलेबोरेटिव कम्युनिकेशन, तो आपस में सहयोग करके इसके थ्रू हम विचारों को शेयर कर सकते हैं। तकनीकी का इस्तेमाल करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बच्चों को सहयोग के साथ, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करने का इसमें मौका देते हैं। द यूज़ ऑफ IT फॉर कम्युनिकेटिव पर्पजेज प्रमोट लैंग्वेज प्ले, तो भाषा का विकास करने के लिए, कम्युनिकेटिव पर्पज के लिए हम IT को प्रमोट कर सकते हैं। टीचर्स टास्क, creating activities that foster both interaction communicatively accurate interactions and communicatively effective interaction. टीचर का टास्क इसमें ये रहता है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट करे जिसमें एक दूसरे के साथ बच्चे कम्युनिकेट एक्यूरेटली करें। द रोल ऑफ टीचर,
टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन अ रेंज ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज एंड द कंसेप्ट्स प्रोसेसेस एंड स्किल्स इन देयर सब्जेक्ट। अब टीचर को अपने सब्जेक्ट में किस तरह के स्किल्स की ज़रूरत है, किस तरह के आईसीटी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो उसके बारे में स्किलफुल होना चाहिए, तभी वो बच्चों को उसके बारे में सिखा सकता है या उसके थ्रू वो बच्चों को टीच कर सकता है। यूज़ देयर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज टू अबटेन एंड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट आईसीटी रिसोर्सेज दैट विल हेल्प देम मीट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर लेसन। नीड नॉलेज ऑफ पोटेंशियल ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट्स। नीड नॉलेज ऑफ पोटेंशियल ऑफ आईसीटी, तो आईसीटी का नॉलेज टीचर को होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग वो रिसोर्सफुल होना चाहिए, तभी वो बच्चों को उसके बारे में अच्छे से हेल्प कर सकता है। नीड कॉन्फिडेंस इन यूजिंग आईसीटी रिसोर्सेज, इट इज़ वेरी क्लियर द टीचर शुड बी कॉन्फिडेंट वाइल यूजिंग आईसीटी रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड दैट सम यूजेज ऑफ आईसीटी विल चेंज द नेचर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज एंड द वे द सब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड। अब टीचर को ये समझ होनी चाहिए कि दैट सम यूजेज ऑफ आईसीटी विल चेंज द नेचर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज एंड द वे द सब्जेक्ट इज़ प्रेजेंटेड, कि किस तरह से वो अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में प्रॉपर उसको नॉलेज होना चाहिए। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इन द क्लासरूम, क्लासरूम में किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट आईसीटी को कर सकते हैं। ओनली वन कंप्यूटर इन द क्लासरूम, एक क्लासरूम में कंप्यूटर होना चाहिए। यूज़ इंटरनेट एज मेन रिसोर्सेज टू डाउनलोड और असेस प्रिंट आउट मटेरियल टू यूज़ ऑफलाइन, तो जिसमें कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम यूज़फुल मटेरियल को डाउनलोड करके बच्चों को क्लासरूम में फिर ऑफलाइन वे में उसको टीच कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में। यूजिंग वेबसाइट, हम वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टॉपिक के रिगार्डिंग कोई हेल्पफुल वेबसाइट है तो उसका इस्तेमाल टीचिंग लर्निंग में कर सकते हैं। अ क्लास ब्लॉग विद लर्नर्स प्रिपेयरिंग देयर कंट्रीब्यूशन ऑन पेपर देन द टीचर टाइप दैट ऑन द कंप्यूटर। लर्नर्स हैव लो आईटी एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, जहाँ पर लर्नर को आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कम एक्सपीरियंस है। मेजर देयर एक्सपीरियंस अबाउट आईटी थ्रू एग्जांपल क्वेश्चनरीज, क्वेश्चनरी के थ्रू उनके जो एक्सपीरियंस है उसको मेज़र कर सकते हैं। इफ़ दे आर हैव ज़ीरो एक्सपीरियंस इन आईटी स्किल्स, यू कैन स्टार्ट विद सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग टास्क देन मूव द मोर कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर दे गॉट कम्फर्टेबल। तो हमें पहले सिंपल एक्सपीरियंस बच्चे को देना है, सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड या फिर टफ़ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज की तरफ हम इसमें जा सकते हैं, तभी बच्चे उसको हैंडल करना सीख सकते हैं। प्रमोटिंग सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी को हम इसके थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, बच्चे सेल्फ स्टडी टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, एक टीचर को इसे एनहांस करना चाहिए। एनकरेज देम टू वर्क ऑन इंटरनेट बेस्ड प्रोजेक्ट, टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को एनकरेज करे कि वो ऐसे प्रोजेक्ट करे जो इंटरनेट बेस्ड हो या इंटरनेट की सहायता से किए जा सकते हो। वेब क्वेस्ट, ऐसे क्वेश्चंस जो वेब के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं और बच्चों के टेस्ट उसके थ्रू ले सकते हैं, तो वो हमें लेने चाहिए ताकि बच्चे टेक्नोलॉजी के थ्रू या ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं वो दे सकें। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डेवलप बाय द टीचर फॉर द स्टूडेंट्स, टीचर को चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल बच्चों के लिए तैयार करे, बच्चों के विकास के लिए। टीचेस बिग क्लासरूम, डिवाइड द क्लास इंटू टू ग्रुप्स, द वन विल वर्क ऑनलाइन, अगर कोई बड़ी क्लास है तो उसमें हम दो ग्रुप बना सकते हैं, एक ऑनलाइन पढ़ेगा एक ऑफलाइन पढ़ेगा। डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन आईटी, अगर आईटी में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, स्टार्ट विद सिंपल टूल्स एंड प्रोजेक्ट, जो हमने पहले बात की सेम वही चीज़ इसमें भी आ गई।
सच एज यूजिंग वेबसाइट एंड रेडीमेड मटेरियल फॉर लैंग्वेज लर्नर। तो हम रेडीमेड मटेरियल लैंग्वेज लर्नर के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेडीमेड मटेरियल आजकल बहुत मिलता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हम उसको क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर मटेरियल, अगर मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है तो फाइंड रिलेटेड मटेरियल थ्रू इंटरनेट एंड इवेल्युएट देम। तो इंटरनेट में हम कोई ऐसा रेडीमेड मटेरियल जो हेल्पफुल है उसे सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, सो दैट इट कुड बी सुटेबल फॉर योर लर्नर्स। तो ये लर्नर के लिए उपयोगी हो सकता है। यंग लर्नर्स स्टार्ट विद द टेक्नोलॉजी दैट दे आर ऑलरेडी नो। ऐसी टेक्नोलॉजी का अगर कोई नया बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है जो अभी बिल्कुल नया है आईसीटी के वे में, तो आईसीटी के लोअर जो भी छोटे छोटे टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड रिसोर्सेज, अगर उनके बारे में बच्चा कुछ जानता है तो उससे हमें शुरुआत करनी चाहिए। यूज़ रेडीमेड मटेरियल, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडीमेड मटेरियल को यंग लर्नर्स के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राइटिंग एंड रीडिंग फैसिलिटेटिव ई टूल्स, राइटिंग रीडिंग के लिए हम कुछ टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आईटी दैट कैन बी यूज टू हेल्प इम्प्रूव देयर लिटरेसी स्किल्स। राइट बोर्ड, जिसमें हम राइट कर सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं, ऐसे बोर्ड का इस्तेमाल जैसे वेब बेस्ड स्पेस दैट कैन बी शेयर्ड इन कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट और एडिटेड बाय इंडिविजुअल राइटर। तो ऐसे बोर्ड आजकल हम सभी देखते हैं कि जिसमें हम एडिट करके भी लिख सकते हैं, कुछ भी वेब बेस्ड हम लिख सकते हैं, तो ऐसे राइट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो ऑटोमेटिक हो। विकीज, विकीपीडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लॉग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें वेब और लॉग्स दैट पोस्टेड टू अ वेबसाइट वेयर दे कैन बी सीन बाय एनीवन। लिसनिंग फैसिलिटेटिव ई टूल्स, लिसनिंग के लिए, लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए आईटीज दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्टिविटीज़ आर क्रूशियल एट द प्री प्रोडक्शन स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो पॉडकास्ट, प्ले ऑन डिमांड कास्ट, इसमें हम देख सकते हैं कि इस तरह से डिजिटल फाइल दैट क्रिएटेड एंड पोस्टेड ऑन द इंटरनेट एंड कैन बी प्लेड इन कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस वेन एवर द लिसनर्स वांट टू प्ले इट। वोडकास्ट, सिमिलर टू पॉडकास्ट बट इंस्टेड वीडियो, इट कंटेन्स आल्सो वीडियो, फॉर एग्जाम्पल www.youtube.com, यूट्यूब जो कि हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऑडियो ब्लॉग, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉग एंड ऑडियो। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।